हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे TGT, PGT, NET, LTGrade, RPC फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, DSSSB की होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। साथ ही मेरी ऑफलाइन TGT, PGT, DSSSB की मेरे बैच भी चल रहे हैं जहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए भी इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन का सारा प्रोसेस जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट GRF का, आपका यूनिट 6 में है, फर्नीचर और साज सज्जा, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्नीचर का क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, साथ ही TGT, PGT और DSSSB RPC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए फर्नीचर और साज सज्जा क्या होती है। देखिए फर्नीचर क्या होता है, तो फर्नीचर ऐसी वस्तु होती है जो व्यक्ति के सोने बैठने वस्तुओं को रखने के काम में आती है। बिल्कुल, फर्नीचर एक ऐसी वस्तु होती है जो व्यक्ति के सोने के बैठने के वस्तुओं को रखने के काम में आती हैं, जैसे कुर्सी हो गया, सोफ़ा हो गया, अलमारी हो गई। ठीक है, और आप जान लेते कि साज सज्जा क्या होती है, तो वही घर में उपयोगी वस्तुओं को संवारने व सजाने की व्यवस्था को साज सज्जा कहते हैं। ठीक है, तो वही घर में उपयोगी वस्तुओं, जो उपयोगी वस्तुएं उनको संवारने और सजाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, साज सज्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, इसमें फर्नीचर जो होता है वो केंद्रीय भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्नीचर क्या है, देखिए क्या होता है, घर को संवारने और सजाने की कला है। ठीक है, तो घर को संवारने और सजाने की कला को आंतरिक गृह सज्जा या आंतरिक सज्जा कहते हैं। ठीक है, तो घर को संवारने और सजाने की कला को क्या कहते हैं, आंतरिक गृह सज्जा या आंतरिक सज्जा कहते हैं। ठीक है, गृह सज्जा में विभिन्न सजावटी, यानी गृह सज्जा में विभिन्न प्रकार के सजावटी और क्रियात्मक पदार्थों, ठीक है, वह उपसाधनों का चुनाव किया जाता है, जैसे फर्नीचर हो गया, प्रकाश हेतु लैंप हो गया, चित्र, ये सब करके हम क्या करते हैं, अपने जो घर को सवार सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, इन सजावटी पदार्थों के द्वारा ग्रह की आंतरिक सज्जा की जाती है, और इन जो सजावटी पदार्थ हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो घर की आंतरिक सज्जा की जाती है। ठीक है, सजावट की वस्तुओं का चयन व सजाने की विधि घर पर रहने वालों की अभिरुचि और व्यक्तित्व को प्रभावित और प्रदर्शित करता है। तो क्या, जैसे सजावट की है तो बताता है कि जो उस घर में रह रहे हैं उनकी क्या रुचि है और उनकी क्या पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व कैसा है उनका। ठीक है, फिर फर्नीचर आंतरिक सज्जा में केंद्रीय भूमिका निकालता है। तो बिल्कुल सही, जो फर्नीचर है वो आंतरिक सज्जा में केंद्रीय भूमिका निभाता है मेन। ठीक है, तो फर्नीचर क्या कहता है, आंतरिक सज्जा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक सज्जा में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है, तो फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर भवन व व्यक्ति के मध्य एक प्रत्येक, देखिए क्या कहता है, फर्नीचर भवन और व्यक्ति के मध्य एक प्रत्येक संपर्क का माध्यम है। तो फर्नीचर क्या है, भवन और व्यक्ति के मध्य, ठीक है, व्यक्ति के मध्य एक प्रत्येक संपर्क का माध्यम है। इसलिए आंतरिक सज्जा का फर्नीचर के चयन और डिजाइन में तीव्र रुचि रहते हैं। तो जो घर की सजावट में, आंतरिक सजावट करने में बहुत ही रुचि लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, फर्नीचर के चयन में और डिजाइन में बहुत रुचि लेते हैं। फर्नीचर ऐसी वस्तु है जो लकड़ी, धातु व अन्य पदार्थों से बनी होती है। ये सोने बैठने कार्य करने, देखिए सोने के लिए भी उपयोगी होती है। ठीक है, कार्य करने के लिए, वस्तु रखने के लिए भी काम में आती है। तो सोने के लिए बेड हो गया, कार्य के लिए, कार्य करने के लिए आपका टेबल हो गया। ठीक है, वस्तुएं रखने आदि के काम में आता है, वस्तुओं के लिए अलमारी, ठीक है, रखने के काम में आती है, जैसे मेज, कुर्सी, सोफा, तिरपाई, ठीक है, तखत, चारपाई, पलंग, चौकी, अलमारी, बेंच आदि। ठीक है, देखिए विभिन्न शब्दकोशों में फर्नीचर का निम्न अर्थ लगाया जाता है, कैसे, तो घर के चलायमान उपकरण है। तो क्या, घर के चलायमान उपकरण जो सज्जा व उपयोग हेतु घर में अथवा दफ्तरों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो घर के चलायमान उपकरण, तो घर के चलायमान उपकरण
ठीक है, घर के चलायमान उपकरण जो सज्जा व उपयोग हेतु घर में अथवा दफ्तरों में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फर्नीचर के इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, कम शब्दों में तो घर के चलायमान उपकरण है ये, जो सज्जा व उपयोग हेतु घर में अथवा दफ्तरों में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर फर्नीचर का इतिहास क्या है देख लेते हैं। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में इटली, यूरोप व अमेरिका में चार विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई थी। तो क्या हुआ था कि 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि इटली, यूरोप में व अमेरिका में चार विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई थी। ये शैलियाँ इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। जो फर्नीचर की जो शैलियाँ थी वो क्या थी देख लेते हैं। पहला आपका आता है रेनेसांस, ठीक है, फिर बारोक, फिर रोकोको, फिर नियो क्लासिक। ठीक है, तो ये आपको लैंग वाइज याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रीना बार बार रोको नियो को, तो ऐसे करके आप इसको लैंग वाइज याद कर सकते हो कि रीना बार बार रोको नियो को, रीना बार बार रोको नियो को। तो रीना ये बन जाएगा रीना, ठीक है, बार बार बारोक का हो जाएगा बार बार, ठीक है, रोको रोकोको का हो जाएगा रोको नियो को। ठीक है, तो रीना बार बार रोको नियो को, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में पूछ सकते हैं, तो ये ट्रिक है तो इसको लैंग्वेज याद करने की। तो रेनेसांस, बारोक, रो रोको, ठीक है, रो, ठीक है, फिर नियो क्लासिक, ठीक है, तो ये है। फिर देख लेते हैं, देखिए रेनेसांस शैली क्या है, तो ये आपकी 1400 से लेकर 1800 शैली, 1800 ईस्वी तक, ठीक है, तो ये क्या है, ये शैली 1400 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी। ये शैली कब से कब तक, तो 1400 ईस्वी से लेकर 1800, ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, पूछा जाएगा। इसे क्लासिक फर्नीचर की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा, इसे क्लासिक फर्नीचर की संज्ञा दी जाती है। आकार में बड़ी वह सममिति होती है, मतलब एक समान होती है, ठीक है, खड़ी रेखाओं का उपयोग होता है इस शैली में, ठीक है, फर्नीचर के लिए। मानव आकृति व विभिन्न पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती है, इम्पोर्टेंट। नकाशीकार भी किए जाते हैं इसमें, ओक अखरोट की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिएगा, ओक और अखरोट की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अलमारी, कुर्सी, स्टूल, टेबल, पलंग आदि के निर्माण में इस शैली का उपयोग होता किया जाता था, ठीक है, तो अलमारी, कुर्सी, स्टूल, टेबल, पलंग आदि के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो शैलियाँ हैं इसमें रेनेसांस, बारोक, रो कोको, ठीक है, नियो क्लासिक शैली है। तो इसको कैसे याद करेंगे, रीना बाबा रोको नियो को, इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे। यही आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी शैली किसके बाद आती है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेनेसांस है, ठीक है, तो ये 1400 से लेकर 1800 के मध्य की है, ठीक है, मध्य विकसित हुई थी, 1400 से लेकर 1800 के मध्य विकसित हुई थी ये शैली। इसे क्लासिक फर्नीचर की शैली देते हैं, ये मेन पॉइंट याद रख ले। ये आकार में बड़ी और सममिति होती है, ठीक है, ये मतलब एक समान, खड़ी रेखाओं का उपयोग होता था, मानव आकृति और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती थी, मानव आकृति और पशु पक्षी की आकृति बनाई जाती थी, नकाशीकार भी किए जाते थे, पूछ सकता है, ठीक है, इसकी सबकी विशेषता है। ओक व अखरोट की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, अलमारी, कुर्सी, स्टूल, टेबल, पलंग आदि के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फिर इसका रंग समानता सुनहरा, नीला, लाल होता था, ठीक है। इस शैली के फर्नीचर औपचारिक प्रकृति के होते थे, ठीक है, जिससे इसमें प्रतिष्ठा, गंभीरता, शांति का भाव दिखाई देता था, फिर बारोक शैली, ठीक है, तो यह शैली भी इटली में विकसित हुई थी। यह शैली कहाँ विकसित हुई थी, इटली में, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ इस ये कम किस मध्य विकसित हुई थी, तो 1550 ईस्वी से लेकर 1750
ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी। तो ये शैली आपकी 1550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, ठीक है। साथ ही मैं बता दे रही हूँ कि जो आपका बारोक शैली है, ठीक है, तो यह शब्द जो है पहली बार 15वीं शताब्दी में इटली में, ठीक है, यह शब्द पहली बार 15वीं शताब्दी में इटली में विशेष रूप से, ठीक है, एक जगह ये भी लिखा है कि यह शब्द पहली बार 15वीं शताब्दी के इटली में विशेष रूप से, ठीक है, 1595 से लेकर 1750 तक विकसित हुई थी, एक जगह ये भी मिलता है, ठीक है, इसका भी अभिलेख दिया गया है। तो कहीं पेपर में पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पेपर में ये नहीं दिया है और ये ऑप्शन में दिया है तो आप इसको भी लगा सकते हो, मैं ये भी एक जगह दिया हुआ था तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ठीक है। तो 1595 से लेकर 1750, ठीक है, ईस्वी तक कला के लिए इसे लागू किया था, ठीक है। ये काफी कुछ रेनेसा शैली, ठीक है, के समानी थी। बारोक शब्द को लैटिन मूल माना जाता है, ठीक है, जो इसे अर्थ देता है मोटा या अपूर्ण मोती, ठीक है। तो देखिए वैसे तो ये 1550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, ठीक है, पर एक जगह ये भी दिया गया है कि जो बारोक शब्द है पहली बार 15वीं शताब्दी में इटली में प्रयोग किया गया था, ठीक है, और विशेष रूप से 1595 से लेकर 1750 तक कला के लिए लागू किया गया था। तो ये भी अभिलेख मिले हैं तो मैंने कहा इसको भी आपको बता दूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट्स बना के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो कहीं ये पूछ दिया गया तो मैंने कहा दोनों चीज़ बता दूँ, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ बोली गई हैं, ठीक है। साथ ही ये काफ़ी कुछ रेनेसा शैली के समान ही था। बारोक शब्द को लैटिन मूल माना जाता है जो इसे अर्थ देता है मोटा या अपूर्ण मोती, ठीक है। फिर रोकोको, ठीक है, रोकोको शैली, तो रोकोको शब्द लैटिन शब्द सेल से लिया गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा। फ्रांस में 1715 में, ठीक है, तो फ्रांस में 1715 से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी शैली, ठीक है। इस शैली में फर्नीचर छोटे होते थे और असमिति होते थे, ठीक है, सममिति मतलब एक समान, और आ ये क्या होते थे, असमिति होते थे, ठीक है। इसमें खड़ी रेखा का प्रयोग होता था, कोणों का प्रयोग नहीं होता था। इसमें क्या, खड़ी रेखा का प्रयोग होता था, लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसमें कोणों का प्रयोग नहीं होता था। इसमें फर्नीचर अखरोट, मोहगनी, रोज वुड लकड़ी के बनाए जाते थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। इसमें प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे, लिख लीजिएगा। इसमें कोमल व हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था, इसमें कोमल और हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये अनौपचारिक प्रकृति के होते थे, ये कैसी प्रकृति के होते थे, अनौपचारिक प्रकृति के होते थे। ये विलासिता, आराम, मित्रता, वस्तुकला का भाव प्रदर्शित करते थे। तो ये विलासिता, आराम, मित्रता, वास्तुकला का भाव प्रदर्शित करते थे, ठीक है। फिर नियो क्लासिक शैली है, सबसे लास्ट शैली है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो यह शैली 1775 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, ठीक है। फर्नीचर सममितीय होते हैं, ठीक है, खड़ी रेखा वाले, अंडाकार, ठीक है, सीधी पैरों वाले, ठीक है, चित्रकारी किए हुए होते हैं, ठीक है। ये मोहगनी व साटिन वुड के बने होते थे। इसमें प्रतिष्ठा, कोमल, आराम का भाव प्रदर्शित होता था। तो ये था आपका फर्नीचर का ऐतिहासिक परिपेज, यानी फर्नीचर क्या क्या इतिहास था और क्या क्या शैलियाँ थी, शायद ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये शैलियाँ क्या, ये आपके पीरियड्स हैं फर्नीचर के, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी लाइव क्लास के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए